गणपतिपुळे भक्त निवास, जैसे शिरडी में भक्तों के लिए भक्त निवास बना हुआ है, वैसे ही गणपतिपुळे में भी ट्रस्ट ने भक्तों के लिए भक्त निवास बनाया हुआ है। ये भक्त निवास लोवेस्ट प्राइस पे रन करता है। इसी भक्त निवास में आपको ओनली 100 रुपीज़ में भी रूम मिल जाएगा और आपको ओनली 20 रुपीज़ में भी आप हॉल में रुक सकते हैं। इसी भक्त निवास में हमको ब्रेकफास्ट, डिनर, टी, कॉफ़ी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एकदम चीपेस्ट प्राइस होता है। और आपको भक्ति निवास कैसे बुक करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इस वीडियो में हम आपको गणपतिपुळे भक्ति निवास के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। गणपतिपुळे मंदिर से भक्ति निवास की दूरी 1.5 किलोमीटर है। भक्त निवास मंदिर के थोड़े से दूर है, लेकिन मंदिर के पास ही ऑटो रिक्शा स्टैंड है। आप वहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़कर भक्ति निवास आसानी से जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा पर पर्सन ओनली 10 रुपीज़ to 50 रुपीज़ चार्ज करता है, लेकिन आपके पास आपका पर्सनल व्हीकल, बाइक या कार हो तो आप इजीली जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप रोड से चल के जाइए, क्योंकि रोड के बीच में आपको ब्यूटीफुल ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंगो ट्रीज, फनस ट्रीज, और आपको डिफरेंट टाइप्स फ्लावर्स और नेचर का व्यू भी मिलेगा। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप रोड से चल के ही जाइए। भक्त निवास में आपको काफ़ी लो प्राइस में रूम्स मिल जाएंगे। भक्त निवास में एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स, डोरमेट्री बेड्स एंड हॉल सिस्टम अवेलेबल है। भक्त निवास आपको डोरमेट्री सिस्टम भी प्रोवाइड कराता है। डोरमेट्री सिस्टम में आपको एक स्मॉल बेड दिया जाता है, साथ ही में एक लॉकर भी प्रोवाइड किया जाता है। उस लॉकर में आप अपना सामान रख सकते हैं। और डोरमेट्री बेड का रेट है पर पर्सन 100 रुपीज़। और डोरमेट्री सिस्टम में वॉशरूम कॉमन होता है एंड साथ ही में आपको एक स्मॉल गैलरी भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक फैमिली है, आपको सेपरेट रूम चाहिए, तो आप मीडियम साइज रूम बुक कर सकते हैं, जिसका रेट है ओनली 350 रुपीज़। उसमें आपको एक किंग साइज बेड प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही में आपको सामान रखने के लिए कबर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। और इस रूम में आपको वॉशरूम अटैच होता है और साथ ही में आपको एक मिरर भी प्रोवाइड किया जाता है। भक्त निवास भक्तों के लिए फूड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें ब्रेकफास्ट, डिनर, टी, कॉफ़ी, इसके रेट्स एकदम लोवेस्ट है। इसके रेट्स भी हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले। वीडियो पूरा देखें तभी आपको भक्त निवास के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। भक्त निवास एसी रूम भी प्रोवाइड करता है और एसी रूम का रेट है 800 रुपीज़। और एसी रूम में डबल बेड होता है। अगर कोई आपके साथ एक्स्ट्रा पर्सन है तो वो भी आपके साथ रुक सकता है, लेकिन उसका 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है और वॉशरूम अटैच होता ही है। भक्त निवास हॉल सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, जिसका रेट है पर पर्सन ओनली 20 रुपीज़, यानी कि आप 20 रुपीज़ में भी रुक सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट लोगों के लिए, जो स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट पिकनिक के लिए आते उनके लिए ये हॉल सिस्टम है। अगर आप 30 से 35 जन, अगर आप ज़्यादा है स्टूडेंट है, तो आप हॉल में रुक सकते हैं। आपको हॉल में सिर्फ नीचे बिछाने के लिए कारपेट दिया जाएगा और ओनली रेट है हॉल का 20 रुपीज़। साथ ही में आपको पार्किंग की भी सुविधा दी जाती है। भक्त निवास के ग्राउंड फ्लोर पे बड़ा सा पार्किंग एरिया है, जहाँ पर आप अपनी 4-व्हीलर 2-व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। भक्त निवास में आपको लिफ्ट की भी सुविधा दी जाती है। अगर आपको 3-बेड वाला रूम चाहिए तो उसका रेट है भक्त निवास का 600 रुपीज़। अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन है तो उसका 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। अगर आपको गैलरी वाला अटैच रूम चाहिए तो आपको उसका रेट है 500 रुपीज़। उसमें 2 बेड अटैच होते हैं। अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन है तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पर्सन के 100 रुपीज़ देने होंगे। भक्त निवास अपने भक्तों के लिए फूड फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। आपको ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, टी एंड कॉफ़ी प्रोवाइड किया जाता है। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक। ब्रेकफास्ट में आपको पोहा 25 रुपीज़, उपमा 25 रुपीज़ और मीठा शीरा आपको 30 रुपीज़ में प्रोवाइड किया जाता है। एंड टी का रेट है 5 रुपीज़ एंड कॉफ़ी का रेट है ओनली 10 रुपीज़। भक्त निवास एकदम लोवेस्ट रेट पे रन करता है और 10 बजे ही ब्रेकफास्ट का काउंटर बंद हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के लिए आपको कूपन लेना होगा, जो कि डाइनिंग हॉल के बाजू में ही कूपन का काउंटर है। भक्त निवास डिनर यानी कि रात का खाना भी आपको प्रोवाइड करता है और डिनर का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से रात के 10 बजे तक। डिनर में आपको एक सब्जी, राइस, दाल
और चपाती और प्रसाद के तौर पर आपको मीठा शीरा का प्रसाद दिया जाता है और आप दाल एंड राइस एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये सब आप जो डिनर देख रहे हैं इसका रेट है सिर्फ 70 रुपीज। आपको डिनर लेने के लिए भी कूपन लेना होगा। कूपन का काउंटर डाइनिंग हॉल के बाजू में ही है और आपको ध्यान रखना है कि 10 बजे के बाद डिनर बंद हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप गणपतिपुळे घूमना चाहते तो आप ओनली गणपतिपुळे 800 रुपये में भी घूम सकते हैं। पर पर्सन ओनली 800 रुपये खर्चा आएगा। आप अगर मुंबई से अगर आप गणपतिपुळे ट्रेन से आना चाहते चाहे आप कहीं से भी हो तो आपको गणपतिपुळे ओनली 800 रुपीज़ में बजट में कैसे घूमना है उस वीडियो में मैंने आपको बताया। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से गणपतिपुळे का टूर ट्रैवल गाइड वीडियो देख सकते हैं। गणपतिपुळे मंदिर में जो गणपति बाप्पा की मूर्ति है वो स्वयंभू है, यानी कि उस स्थान पर गणपति बाप्पा स्वयं प्रकट हुए थे। गणपति बाप्पा के दर्शन करने के बाद आप वहाँ पर जो लड्डू का प्रसाद मिलता है वो भी ले सकते हैं। कभी कभी वहाँ पर खिचड़ी का भी प्रसाद दिया जाता है तो आप वो भी प्रसाद के तौर पर ले सकते हैं। गणपति बाप्पा के दर्शन होने के बाद आप बीच पर घूम सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि हाई टाइड के वक्त आपको समुंदर के पानी के अंदर ज़्यादा जाना नहीं है। और बीच पर आपको घूमने के लिए कैमल राइड है, हॉर्स राइड है और आप MATV राइड भी कर सकते हैं और सनसेट देख के फोटो भी खींच सकते हैं। बस आपको ध्यान देना कि आपको पानी के अंदर ज़्यादा जाना नहीं है। भक्त निवास में आपको रूम बुक करने के लिए एक ID प्रूफ होना जरूरी है और भक्त निवास आपको ऑनलाइन रूम बुक करने की सुविधा नहीं देता है। आपको वहाँ पर फिजिकली यानी कि खुद जाकर रूम बुक करना होगा। ऑनलाइन सुविधा भक्त निवास नहीं प्रोवाइड करता है। एंड फ्रेंड्स, जो भक्त निवास है उसके अंदर पेट्स अलाउड नहीं है, यानी कि डॉग कैट भोजन अपने साथ डॉग कैट लेके आते तो पेट्स एनिमल भक्त निवास के अंदर अलाउड नहीं है। एंड फ्रेंड्स, भक्त निवास का रूल है आपको रात के 11 बजे के अंदर ही आपको भक्त निवास में जाना है। ज़्यादा देर तक बाहर नहीं घूमना है, रात के 11 बजे के अंदर ही आपको भक्त निवास में रिटर्न जाना है। सो फ्रेंड्स, अगर बीच पर आप चल रहे हैं विदाउट शूज विदाउट सैंडल तो आप देख सकते हैं आपको केयरफुली चलना है क्योंकि कल मेरे ये पैर में घुसा था सीरिन। आपको केयरफुली रहना बीच पे क्योंकि यहाँ पर सीरिन वगैरह रहते। फ्रेंड्स, भक्त निवास की जो बुकिंग होती है वो ऑनलाइन नहीं होती, आपको यहाँ पे फिजिकली आके बुकिंग करने पड़ता है। ऑनलाइन कोई बुक नहीं होती भक्त निवास की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।